हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी किचन सीख। वीवर्स, आज हमने अपने किचन में मौसमी का जूस बनाया जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वीवर्स, आज मौसमी का जूस निकालेंगे। मौसमियाँ कैल्शियम से भरपूर बड़ी हुई होती हैं और बहुत ही मज़े का जूस इसका लगता है। सर्दियों में धूप में बैठकर पीने का बहुत ही एक अलग सा मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखें कि मौसमियाँ बिल्कुल फ्रेश तरीके से मम्मी जी ले आई हैं। तो यहाँ पर कुछ मौसमियाँ पड़ी हुई हैं और कुछ मौसमियाँ हम काटते हैं और आपको दिखाते हैं कि जूस कैसे निकलता है और बिल्कुल नेचुरली जूस कैसे बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो वीवर्स, सबसे पहले हमने मौसमी को छील लेना है। बिल्कुल आसान तरीके से मौसमी को छील सकते हैं हम छुरी के साथ। छुरी के साथ साइडों में पहले कट लगा ली हैं और फिर आसानी के साथ छील लेने हैं इसको, और इस तरह का इसका आ जाएगा। इसको हमने साफ़ कर लेना है फिर बाद में। तो यहाँ पे देखें ये कैसे छील सकते हैं। यहाँ पर हम इस कैसे ऊपर से काट लेना है और यहाँ पर कट लगा लेने हैं। यहाँ पर भी ऐसे सारे कट लगा लेने हैं। मम्मी जी लगा रही हैं। तो वीवर्स, ऐसे ही हमने सारी मौसमियाँ काट लेनी है। तो वीवर्स, मौसमी का जूस निकालने के लिए हमने मौसमियों को छील लिया और अब इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर हम इसको शामिल कर देंगे। और शामिल करने के साथ ही हमने नीचे जूस के लिए रख दिया और बटन दबा दिया। तो इसमें हमने थोड़े से किन्नू भी ऐड किए हैं ताकि फ्लेवर ज़रा अच्छा बन जाए। ये बिल्कुल देसी स्टाइल से जूस बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ किन्नू भी ऐड कर दिए जूस के अंदर और यहाँ पर इस तरीके से हमने मौसमियाँ ऐड कर देनी हैं। इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून चीनी के शामिल कर देनी है क्योंकि मौसमी जो है ज़्यादातर थोड़ी मिठास नहीं रखती। जो किन्नू होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन मौसमी में थोड़ी सी हमने चीनी भी ऐड करनी होती है ताकि जो है जूस का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो ये तकरीबन हमने 2 चम्मच बड़े शामिल करने हैं। तो हमारे साथ 3 स्पून है तो हमने 3 चम्मच शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। तो साथ में इसके अंदर नमक ऐड करना है, हसबे जायका आप ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं मुनासिब आपको मकदार बता देता हूँ। तो तकरीबन इतना नमक हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो ये तकरीबन बनता है 1 चम्मच का छोटा हिस्सा। तो वीवर्स, कितना ही मज़े का जूस बना है और मम्मी जी डाल रही हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि क्या ही लुक आई है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से जूस बना, गाढ़ा जूस है और बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर। तो ये आपके सामने है तो ये जूस। तो यहाँ पर हम कुछ डेकोरेशन करेंगे और मेहमानों को भी सर्व कर सकती हैं और धूप में बैठकर कैल्शियम लेने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। बिल्कुल रेडी हो चुका है जूस हमारा। तो ये देखें कितना ही मज़े का जूस बना है। तो हालत जूस